दोस्तों स्वागत है आप लोगों को बेटर देन बिफोर सीरीज में। इन कॉमिक्स को मैंने एक साल पहले भी अपलोड किया था, लेकिन तब मेरे पास माइक फाइक कुछ भी नहीं था। मैंने नॉर्मली बैकग्राउंड नॉइस के साथ एयरफोन में रिकॉर्ड किया था, जिसके वजह से ऑडियो बहुत ही खराब थी, और उन वीडियोस की ऑडियो के लिए मुझे आज भी बड़े बड़े गालियां पड़ते हैं। और इसलिए मैंने खाली टाइम में इन वीडियोस को थोड़ा सा रीमेक किया, लेकिन इसके लिए नॉर्मल कॉमिक्स अपलोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे दिवाली का एक एक्स्ट्रा ट्रीट समझ लीजिए। तो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि मुझे हुआ क्या है। तुम अपने हीलिंग फैक्टर पूरी तरह से खो चुके हो। वो लोग तुरंत ढूंढते हुए मेरे पास आएंगे मुझे मारने के लिए। हम लोग एक आदमी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है लोगन। किसने मुझे पकड़ने की सुपारी दी है? द ग्रीन क्वीन। और अब आगे मैड्रिपूर। सॉरी सर, आप इस बार के अंदर नहीं जा सकते, आप किसी और बार में जाइए। ये बार बड़े आदमियों के लिए है। अरे यार, मुझे इसी बार में घुसना है, मेरे इस बार में एक मीटिंग है। सॉरी सर, आप इस बार के अंदर नहीं घुस सकते। अरे मेरा नाम कोड़ो है, मैं वाइपर का आदमी हूँ। यकीन नहीं होता तो ये देखो। बाप रे, तो वाइपर का आदमी है सच में। चुप रहो। हाँ जाइए सर, जाइए। सॉरी सर, हम लोग आपको पहचान नहीं पाए। आई एम सो सॉरी सर। और कोड़ो बार के अंदर जाता है। बाप रे, बार तो 5 स्टार बन गया। पिछली बार जब मैं आया था तब तो मेरा एक पैक दारू खरीदने का भी औकात था, इस बार तो वो भी नहीं है। और वो बार्टेंडर कोड़ो से कहता है कि शायद तुम जिससे मिलने आए हो वो तुम्हारा उस कमरे में इंतजार कर रहा है। और कोड़ो उस बार्टेंडर के बातों के मुताबिक उस रूम के अंदर जाता है, और वो देखता है उसके सामने एक आदमी दो सुंदर लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। और कोड़ो उससे कहता है, हाय माय नेम इज कोड़ो। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि तुम ग्रीन क्वीन वाइपर से डील करने आए हो। तुम्हें पता है ना कि वाइपर से डील करना कितना डेंजरस है। और वो अनजान आदमी इसके जवाब में कहता है कि बिजनेस माय फ्रेंड, बिजनेस के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है। मेरे पास कुछ है जो शायद वाइपर खरीदना चाहेगी। तुम कोई चीज बेचने के लिए वाइपर से मिलना चाहते हो? बाप रे, या तो तुम बहुत हिम्मत वाले हो या फिर बहुत बड़े बेवकूफ। क्योंकि ये बहुत ही अजीब बात है कि अचानक से कोई अनजान वाइपर से मिलने आए और उसे कोई चीज बेचना चाहे। ठीक है, अगर वाइपर नहीं खरीदना चाहेगी तो ठीक है, मैं किसी और को बेच दूंगा। वैसे मैंने सुना है कि मिस्टिक आसपास ही मैड्रिपूर में ही घूम रही है। मिस्टिक जरूर इसे खरीद लेगी। आखिर इस अनमोल चीज को कोई क्यों खरीदना नहीं चाहेगा? वाइपर इंटरेस्टेड नहीं है तो ठीक है, मिस्टिक को बेच दूंगा, वो अच्छा पैसा भी देगी मुझे। आखिर इस अनमोल चीज को कौन खरीदना नहीं चाहेगा? ठीक है, चलता हूँ तो फिर। वेट, क्या तुम लाए उस चीज को अपने साथ? क्या मैं वो चीज देख सकता हूँ? या सर। और वो आदमी कोड़ो को एक बैग देता है, और उस बैग को खोल के कोड़ो चौंक जाता है। ओ तेरी, क्या है? आयरन मैन का मार्क 9 आर्मर का हेलमेट, बिल्कुल लेटेस्ट। रुको, मुझे पहले टेस्ट करने दो, ये असली तो है ना भाई? ओ तेरी, इसे पहन के तो मैं सभी का छुपाया हुआ हथियार भी देख सकता हूँ। Awesome. तुम कितना लोगे इसका? Sorry friend, मैं चेलो से डील नहीं करता, डील करूंगा तो सिर्फ वाइपर से। और कोड़ो उस आदमी को ग्रीन क्वीन वाइपर के पास लेके जाता है। क्वीन वाइपर, यही वो आदमी है जो आपसे डील करना चाहता है। हाय डियर, पहचाना मुझे? कोड़ो, इडियट कहीं के, तुम कैसे नहीं पहचान सकती इस आदमी को? इस आदमी की कीमत तुम्हारे उस बेकार हेलमेट से कई गुना ज्यादा है। क्यों, कौन है? नाम है लोगन, जेम्स हॉलेट लोगन। सॉरी किड, एक्चुअली मेरा और तुम्हारे ग्रीन क्वीन का बहुत पुराना रिश्ता है। क्यों, सही कहा ना माय लव? लगता है तुम अपने पुराने हस्बैंड को देख के ज्यादा खुश नहीं हुई। पकड़ो इसे। लेकिन उल्वरीन बड़े आराम से वाइपर के सारे साथियों को हरा देता है। सो ड्रामा खत्म हो गया हो तो बातचीत शुरू करें। मैंने सुना कि तुमने मेरा सुपारी दी है, वो भी जिंदा पकड़ के लाने की, नॉट टू किल। तुम अभी भी इतना मिस करती हो मुझे डार्लिंग? पहले बता देती माय लव, मैं उड़ के आ जाता तुम्हारे पास। फ्लर्ट करने की आदत अभी तक गई नहीं तुम्हारी। हर तरफ लोग मर रहे हैं वाइपर, सो जल्दी बताओ तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? लेकिन पहले बताओ,
तुम्हें वो आयरन मैन का हेलमेट मिला कहाँ से? स्टार्क से मेरा कुछ पुराना उधार था। मेरे सवाल का जवाब दो वाइपर। इसके जवाब में वाइपर कहती है कि उसने लोगन को पकड़ने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। बहुत दिन पहले वाइपर के पास एक क्लाइंट आया था जिसको वाइपर ने इसके पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन वो क्लाइंट वुल्वरीन को पकड़ने के लिए बहुत बड़ी कीमत देने के लिए राजी था। और वाइपर ने तो बस उस बड़े से कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा सब कॉन्ट्रैक्ट बना के इन चूहों में बांट दिया। कौन है वो क्लाइंट? जरूर बताऊंगी ना, सब बताऊंगी, लेकिन इसके लिए पहले तुम्हें कुछ जीतना होगा माय डियर। क्या? एक फाइट। मैं सब बताऊंगी, लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे पालतू कुत्ते को हराना होगा। विक्टर? और तभी हम देखते हैं सेबर टूथ को, यानी विक्टर क्रीड, वुल्वरीन का भाई और सबसे पुराना दुश्मन भी। मुझे लगता है कि तुम दोनों का भी बहुत पुराना रिश्ता है एक दूसरे से। विक्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोगन, वाइपर ने मुझे कैद से छुड़ाया और फिर यहाँ पे कैद कर दिया। उसने मेरी बॉडी के अंदर जहर डाल दिया, इसलिए मुझे अब उसकी बात सुननी पड़ती है जिंदा रहने के लिए। जब तक हमारा वफादार कुत्ता बना रहेगा तब तक इसे अपने जहर का एंटीडोट्स मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मेरा खराब कुत्ता निकला उस दिन उसे सिर्फ मौत मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि इस लड़ाई में बस कोई एक ही जिंदा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन, लेकिन किसी एक को मरना होगा। और तभी सेबा टूथ लोगन के ऊपर झपटता है और लोगन की एक आंख चीर देता है। और वुल्वरीन किसी तरह से रेंग के अपने बैग के अंदर से आयरन मैन का हेलमेट निकालता है और एक स्विच दबा के उसे सेबा टूथ की तरफ फेंकता है। और सेबा टूथ उसे कैच कर लेता है। अब ये क्या है बे? कोई खिलौना है क्या? ये सारी छोटी छोटी चीजें हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता लोगन, ये तुम भी जानते हो। सेवतुत लोगन के ऊपर झपट के उसके ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी वो सेवतुत को धक्का देता है और वो थी लेडी डेथ स्ट्राइक। और लेडी डेथ स्ट्राइक सेवतुत को मारने ही वाली थी कि तभी वुल्वरीन उसे मना करता है। रुको, डेथ स्ट्राइक नहीं, जाने दो उसे। क्यों? वो बेचारा चेन से बंधा हुआ है और जहर से मर रहा है। इस हालात में किसी को मारना सही नहीं है, जाने दो उसे। और डेथस्ट्राइक सेबातूथ के जंजीरें तोड़ देती है और कहती है, तुम बच गए लोगन की वजह से, अब जाओ यहाँ से। वुल्वरीन सभी के सामने हमेशा महान बनता है, सभी की जान बचाता है, लेकिन वो भी मेरे जैसा ही जानवर है। वो तुम्हें मना कर रहा है क्योंकि वो खुद बाद में अपने हाथों से मुझे मारना चाहता है। क्यों? मैंने सही कहा ना लोगन? तुमने सुना नहीं उस लड़की ने क्या कहा? जाओ यहाँ से। और सेबातूथ वहाँ से चला जाता है। वाइपर कहाँ गई? मेरे अंदर आते ही भाग गई। सेट, वो हमेशा से ही भागने में एक्सपर्ट रही है। वो मुझे बताने ही जा रही थी कि उस क्लाइंट का नाम। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आई हूँ लोगन। कम ऑन, तुम भी मुझे पकड़ने आई हो। ठीक है, मैं हार मानता हूँ, मेरे अंदर अब उतनी ताकत नहीं कि तुमसे भी लड़ सकूं। और इसके जवाब में लेडी डेथस्ट्राइक कहती है कि नहीं, तुम गलत समझ रहे हो लोगन, तुम अकेले नहीं हो जिसका कॉन्ट्रैक्ट निकला है, मेरा भी एक ही हाल है लोगन। और उसकी बात सुन के वुल्वरीन कहता है, वाइपर मुझे किसी क्लाइंट की कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता रही थी, तुम्हें कुछ पता है इसके बारे में? और डेथस्ट्राइक कहते हैं कि पता नहीं, मैं अभी भी बहुत मुश्किल से अपने जान बचा के जापान से यहाँ पे आई हूँ, एक बहुत बड़ा किलर मेरे जान के पीछे पड़ा हुआ है, ओगन। मतलब लॉर्ड ओगन? और डेथस्ट्राइक आगे कहते हैं कि हाँ, मुझे कहने में थोड़ी सी झिझक सी हो रही है, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए लोगन, हम दोनों एक साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का हल निकल सकते हैं। लेकिन बात करते करते अचानक से डेथस्ट्राइक को कुछ शक होता है और वो पूछती है, तुम्हारी हीलिंग को क्या हुआ? और ध्यान से नोटिस करने के बाद डेथस्ट्राइक समझ जाती है कि वुल्वरीन के सारे पावर्स खत्म हो चुकी है और अब वो किसी काम का नहीं, वुल्वरीन उसका कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर डेथस्ट्राइक खुद वुल्वरीन का जान ले ले तो वुल्वरीन के जान के बदले अपने जान का सौदा कर सकती है। और डेथस्ट्राइक सोच लेती है कि वुल्वरीन को मार देगी और वुल्वरीन से कहती है, लगता है तुम बेहद तकलीफ में हो, आओ तुम्हारी तकलीफ दूर करते। और डेथस्ट्राइक वुल्वरीन को मारने जा ही रही थी कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर हमला कर देता है।